केबीसी की हॉट सीट पर बिहार के सहरसा की बेटी बैठी अपूर्वा चौधरी, बढ़ा दिया बिहार का मान। आप सभी जानते हैं कि अगर मेहनत और लगन किया जाए तो जो चाहे वो क्यों ना पा जाए, और कहीं ना कहीं इस बात को सही साबित करके दिखाया है बिहार के सहरसा जिले की बेटी अपूर्वा चौधरी ने। आपको बताते चले कि कौन बनेगा करोड़पति के सीट पर बैठना हर किसी का सपना होता है। आप सभी जानते हैं कि इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, और इसी बीच इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिहार के सहरसा की बेटी अपूर्वा चौधरी की, जिन्होंने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी केबीसी के सीट पर बैठने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाई। और अब इस बार जो अपूर्वा चौधरी है वो केबीसी की हॉट सीट पर बैठी और साथ ही साथ 4 लाख रुपए भी जीत गई, जिसकी वजह से अपूर्वा चौधरी का जो परिवार है वो खुश है। और साथ ही साथ उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने ना सिर्फ सहरसा जिले का नाम रोशन किया, साथ ही साथ उन्होंने पूरे बिहार का मान भी बढ़ाया। वहीं आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को पाने की चाह हो तो उसके पीछे मेहनत कितनी होती है वो आप सभी जानते हो, और मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपूर्वा चौधरी ने भी मेहनत किया था, और एक छोटे से गांव से निकल करके केबीसी की हॉट सीट पर बैठना इतना आसान भी नहीं रहा होगा अपूर्वा चौधरी के लिए, वो भी अमिताभ बच्चन के सामने। आपको बताते चले कि अपूर्वा चौधरी ने पहले ही राउंड में अमिताभ बच्चन के पूछे गए फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों का सबसे तेज जवाब दिया, जिसकी वजह से अपूर्वा चौधरी वहां पर सिलेक्ट हो जाती हैं और वहां पर सीट पर बैठने का मौका मिलता है। अपूर्वा चौधरी 4 लाख रुपए भी जीत लेती हैं, और कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ साथ पूरे बिहार के जो दर्शक थे वो पूरी तरीके से एंटरटेन हुए और अपूर्वा चौधरी के हौसले को बढ़ाए। और कहीं ना कहीं बिहार से निकल करके हॉट सीट पर बैठना केबीसी के कितनी बड़ी बात होती है, वो सिर्फ एक मामूली से गाँव की बेटी या मामूली से गाँव के जो बच्चे हैं वो ही समझ पाएंगे। आपको बताते चले कि जब से अपूर्वा चौधरी केबीसी की हॉट सीट पर बैठी है तब से लगातार उनके गांव में उनके घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि अपूर्वा चौधरी कई बार ट्राई की थी लेकिन वो वहां पर नहीं जा पाई थी। अपूर्वा चौधरी के परिवार की तरफ से कहना है कि वो बचपन से पढ़ने में बहुत तेज हुआ करती थी और उनका शुरू से सपना था कि वो एक दिन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठे, जो सपना उनका अब पूरा हो गया है। बताते चले कि अपूर्वा चौधरी फिलहाल चेन्नई में रहती है, अपूर्वा चौधरी की शादी हो चुकी है, और जिस तरीके से अपूर्वा चौधरी ने अपने दिमाग को लगाकर करके अपने प्रतिभा को दिखा करके अमिताभ बच्चन के सामने बैठ करके बिहार का मान बढ़ाया है, कहीं ना कहीं वो कई ऐसे परिवार है जो प्रेरित हो रहे हैं अपने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अभी भी यूपी, बिहार, झारखंड कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको बाहर लोग नहीं भेजते पढ़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर अपूर्वा चौधरी जिस तरीके से बैठी, उसकी वजह से कई ऐसा परिवार है जो प्रेरित होता है। हमने कई दिन पहले आपको एक ऐसी कहानी भी दिखाई थी जिसमें दंगल मूवी देख करके एक परिवार अपनी बेटियों को जो है वहाँ पे दिखाता है किस तरीके से वो कुश्ती लड़े, और आए दिन आप देखते हैं कि बिहार से कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे बच्चे सामने आते हैं जो अपनी प्रतिभा की वजह से बिहार का मान बढ़ाते रहते हैं। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में बिहार का एक लाल जो कि 13 साल का, वैभव सूर्यवंशी नाम है, जो महज 13 साल की उम्र में इतिहास रच दिया और अब वो IPL में खेलेगा। तो बिहार में ना तो प्रतिभा की कमी है और ना ही बच्चों के टैलेंट की कमी है, तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में कमी है तो वो है रोजगार की कमी है। हालांकि जिस तरीके से अपूर्वा चौधरी ने केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर बिहार का मान बढ़ाया, उसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा।